माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत निकट पहुंच गए हैं संत महापुरुषों के। देव से देश और राम से राष्ट्र का निर्माण, यानी कि राष्ट्रीय चेतना में जो राम विराजे हैं वो राष्ट्रीय जनमानस में राम के गुणों का अवतार हो। मानस में जो राम हैं उनके गुणों का भारत के जनमानस में अंगीकार हो। निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण के 1000 वर्षों का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है वह निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने भारत भारतीयता को नए रूप में व्याख्यायित करता है, सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्याख्यायित करता है। हमारी ही संस्कृति कहती है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हमारी ही संस्कृति कहती है सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। हमारी ही संस्कृति कहती है कि हम विश्व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करें, राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व अंशदान करें। प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन में राष्ट्रीय समरसता का संदेश पूरे विश्व में व्यापक होता हुआ भगवान श्री राम की धरा से बहुत ही आनंद का विश्व की समरसता, विश्व की कल्याण और शांति की स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजायमान होता हुआ। कुछ तो है, कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में आकर्षित कर लेता है। कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को सगुण साकार बना देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र की धूल में, इस राष्ट्र के अन्न में जो माँ कौशल्या के गर्भ में उस राम को उत्पन्न कर देता है पुत्र के रूप में और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रह्म को खेलने पर विवश कर देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो भक्तों की भावना के अनुरूप अनंत अनंत रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। राम सबके हैं, राम सर्वत्र हैं और इसीलिए आज एक ऐसे ही अद्भुत अलौकिक स्वरूप में बाल रूप में 5 वर्ष के राघव